हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। सो आज हम डिस्कस करने वाले लॉन्ग कंपोजिशन को, जो हमारा लेटर राइटिंग है। लेटर्स टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर्स बेसिकली ऑफिस में लिखा जाता है, प्रिंसिपल के लिए लिखा जाता है, जैसा कि हम सबको पता है। इनफॉर्मल लेटर्स हम लिखते हैं अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को, तो वो इनफॉर्मल होता है। लेकिन जो हमारे एग्जामिनेशन में आजकल का ट्रेंड है वो फॉर्मल लेटर्स का होता है। फॉर्मल लेटर से रिलेटेड जो उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, हमें क्या क्या चीज लिखनी चाहिए, उसको हम समझेंगे इस वाले वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सो पार्ट्स ऑफ अ फॉर्मल लेटर, सबसे ऊपर लिखा जाता है सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जो भी लेटर को लिखता है उसका एड्रेस सबसे ऊपर लिखा जाता है। ये क्वेश्चन में ही आपको दिया जाएगा कि आप सेंडर और आपका एड्रेस ये है। अगर क्वेश्चन में सेंडर्स का एड्रेस नहीं दिया जाता तो हम यहाँ पर लिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल, यानी कि हम एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे अगर सेंडर्स का एड्रेस नहीं दिया। उसके नीचे एक लाइन छोड़ के लिखते हैं डेट, उसके नीचे लिखा जाता है रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस, यानी कि जिस पर्सन को हम लेटर लिख रहे हैं उसका नाम लिखा जाएगा, उसकी डेजिग्नेशन लिखी जाएगी और ऑफिस का जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर लिखा जाता है। अब रिसीवर वो पर्सन होता है जिसको हम लेटर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लेटर लिख रहा हूँ तो जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है उनका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा, उसके बाद नीचे उनका ऑफिस एड्रेस, और उसके बाद में फिर हम लिखते हैं सैल्यूटेशन, यानी कि ग्रीटिंग्स, जैसे कि डियर सर या रेस्पेक्टेड मैम, जो भी हमारी सैल्यूटेशन होती है उसको हम लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, यानी कि हम लेटर लिख क्यों रहे हैं उसका रीजन, रीजन फॉर राइटिंग द लेटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना है कि हमारे एरिया में चोरियां बढ़ रही है, तो चोरी को रुकवाने के लिए अगर हम लेटर लिख रहे हैं तो वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट जो है वो क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए और डायरेक्ट होना चाहिए। ज्यादा हम बड़ा सब्जेक्ट नहीं लिखते क्वेश्चन में, तो सब्जेक्ट डायरेक्ट होना चाहिए। उसके बाद में बॉडी ऑफ द लेटर, यानी कि जो मेन पार्ट होता है लेटर का उसको हम लिखते हैं। इट कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंटेंट, इसके अंदर कंटेंट का डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं, जो उसकी फुल डिटेल्स होती है उसको हम इसमें लिखते हैं इस वाले पार्ट में। इट शुड बी रिटन इन सिंपल डायरेक्ट एंड फॉर्मल लैंग्वेज, ये सिंपल होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है इधर उधर की बातें हमें लिखनी है, डायरेक्ट जो प्रॉब्लम गिवन है उससे रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद में फॉर्मल लैंग्वेज का इसमें यूज करना चाहिए, यानी कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है वो यहाँ पर यूज होनी चाहिए। कंटेंट शुड बी कन्वेड इन थ्री पैराग्राफ्स, जो कंटेंट होता है वो तीन पैराज में होना चाहिए। फर्स्ट पैरा जो होता है वो इंट्रोडक्शन होता है, यानी रीस्टेटमेंट ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि अगर हम कोई लेटर लिख रहे हैं तो सबसे पहले उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं थोड़ा बहुत, जो उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। सेकेंड पैराग्राफ जो होता है उसमें स्टेट प्रॉब्लम इन डिटेल, यानी प्रॉब्लम को हम ज्यादा डिटेल्स में लिखते हैं सेकंड पैराग्राफ में कि प्रॉब्लम क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है और इसको रोकना क्यों चाहिए। थर्ड पैराग्राफ में शुड कंटेन सजेशंस, हम सजेशन देते हैं कि ये वाली प्रॉब्लम है इसको बंद करना चाहिए यानी रोकना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को ये दिक्कतें होती है और अगर लोग इससे तंग होते रहेंगे तो ये टाइम वेस्ट होगा, या जो भी इसमें सजेशंस हम दे सकते हैं वो हम सजेशन देते रिसीवर को। तो तीन पैराग्राफ में सबसे पहला पैराग्राफ है जिसमें इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है कि हम लेटर लिख क्यों रहे हैं, सेकंड पैराग्राफ में प्रॉब्लम को हम डिटेल में समझाते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसके पीछे ये रीजन हो सकता है और ये क्यों रुकवाना चाहिए, और थर्ड पैराग्राफ में सजेशंस को हम देते हैं। सेवंथ पॉइंट इसका सब्सक्रिप्शन, यानी कि लास्ट में जब हम मेन बॉडी को लिख देते हैं लेटर की, तो लास्ट में लेफ्ट साइड पर लिखा जाता है सब्सक्रिप्शन, योर सिंसियरली या योर्स फेथफुली, उसके बाद में नीचे लिखा जाता है सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑफ द पर्सन एंड फुल नेम, जो भी लेटर को लिखता है उसका नाम और सिग्नेचर और डेजिग्नेशन सबसे लेफ्ट साइड पर नीचे लिखा जाता है। तो ये जो एट कंपोनेंट्स है, ये एट पार्ट्स है फॉर्मल लेटर के, जो अगर हम फॉर्मल लेटर कोई भी लिखते तो उसमें ये होने ही चाहिए। सो इस वाली वीडियो में हमने समझा पार्ट्स ऑफ अ फॉर्मल लेटर, तो इससे जो नेक्स्ट वाली वीडियोस है उसमें हम कंटिन्यू करेंगे फॉर्मल लेटर्स के कुछ क्वेश्चंस। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।